दोस्तों सबसे पहले हमारे एस्ट्रो आर्टिस्ट HP चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूले ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। क्या दैवीय शक्तियां भी आपकी सहायता करती हैं? इस रहस्य को कैसे समझें? आप मानो या न मानो, दुनिया में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें उनके जीवन में अज्ञात दैवीय सहायता समय समय पर मिलती रहती है, लेकिन हम अपने अल्प ज्ञान के कारण उन्हें समझ नहीं पाते। किसी को ज्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दैवीय शक्तियाँ अच्छा काम करवाती हैं। बहुत से मनुष्य अपना पूरा जीवन इसी खोज में लगा भी देते हैं। हर कोई ईश्वर का सानिध्य पाना चाहता है, लेकिन ऐसे सौभाग्यशाली लोग बहुत कम ही हैं जिन्हें स्वयं ईश्वर अपना सानिध्य देने के लिए तैयार रहते हैं। क्या आप उनमें से एक हैं जिनके ऊपर उस सर्वोच्च शक्ति की मेहर है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वो लोग भी नहीं जानते जिनके सिर पर दैवीय शक्ति का हाथ है। इसका कारण है अनभिज्ञता। भला कोई साधारण व्यक्ति ये कैसे जानेगा कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमेशा उसके साथ साथ रहती है, जो हमेशा उसे संकट से बचाती है। हम आपको कुछ ऐसे लक्षणों या संकेतों के विषय में बताएंगे जो यह बताने के लिए काफी हैं कि कोई फरिश्ता या फिर कोई अलौकिक शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है और आपको मुसीबतों से बचाती है। अज्ञात दैवीय शक्तियाँ सिर्फ व्यक्ति की ही मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, तो निश्चित ही अज्ञात दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही हैं। अगर अक्सर आपको मोरपंख या फिर कोई अन्य खूबसूरत पंख दिखाई देता है, तो इसका अर्थ यह है कि कोई फरिश्ता या फिर कोई दैवीय शक्ति आपके साथ साथ है। यह उस शक्ति का आपके लिए समर्थन और प्रेम प्रदर्शन है। यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती हैं, तो आप समझ जाएं कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं, तो समझ जाएं कि दैवीय शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं, या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही हैं। जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस समय में मात्र कुछ व्यक्तियों की ही नींद खुलती है। कभी जमीन पर चलते हुए आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास बादल हैं, कभी आसमान के बादल आपको बहुत गहरे दिखने लगते हैं, या फिर आपको धुंधला सा दिखने लगता है, तो निश्चय ही आप अपने मार्गदर्शक फरिश्ते के साथ हैं। वो आपको कभी हानि नहीं पहुंचाएगा, बल्कि हर समय आपकी सहायता करेगा। आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं। सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं, या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते हैं, तो आप समझ जाइए कि अज्ञात दैवीय शक्तियाँ को आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि अज्ञात दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। अगर कभी आपको दिखे कि कोई छोटा बच्चा छत की ओर देखकर हंस रहा है या दरवाजे की ओर देखकर खुश हो रहा है, तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि वह बच्चा किसी दैवी ताकत का अनुभव कर रहा है। वह फरिश्ता उसकी रखवाली के लिए वहाँ मौजूद है। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि अज्ञात दैवीय शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं।
जीवन में आपको अचानक ही लाभ प्राप्त हो जाता है। आपको किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप समझ जाइए कि अज्ञात दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या हमें अचानक से बहुत सी तेज खुशबू आने लगती है, लेकिन वह कहाँ से आ रही है ये बात समझ नहीं आती। ये खुशबू उसी दैवीय शक्ति की है जो आपके आसपास है। अथवा आप किसी देवस्थान पर जाएं और वहाँ पर आपको सुगंध का अनुभव हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। अगर आप अपने आसपास बिना किसी कारण कोई चमकती रोशनी देखते हैं, कोई ऐसी रोशनी जो बहुत खूबसूरत है, तो समझ जाइए कोई है आपके आसपास जो आपकी सुरक्षा कर रहा है, जो आपको कभी अकेला नहीं महसूस होने देगा। जिस समय आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सेहरन दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, लेकिन आसपास उस धुन के बजने का कोई कारण नहीं होता। ये उसी दैवीय शक्ति की धुन है, वह आपके आसपास आपकी सुरक्षा के लिए मौजूद है। तो आप समझ जाइए कि आप अज्ञात दैवीय शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जाप कर रहे होते हैं। आप रात्रि में किसी एकांत स्थान में शांति से बैठे हैं अथवा गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको ऐसा आभास हो कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की कृपा है। ऐसे में आप अपने इष्ट का ध्यान करें और उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करें। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लीज लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।